खबर देहरादून से है, जहां पर बेरोजगारों ने पत्थरबाजी और सीआरपीसीएसई की धारा 144 के उल्लंघन करने को लेकर प्रशासन सख्त रुख लेने वाला है। आपको बता दें कि शहीद स्मारक पर बेरोजगार संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ऐसे में अब प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। वहीं डीएम सोनिका ने कहा है कि धरना प्रदर्शन कर रही बेरोजगार संघ से लगातार धरना प्रदर्शन ना करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद भी शहीद स्मारक पर धरना कर रहे हैं। वहीं डीएम सोनिका ने कहा है कि यदि इस तरीके से धरना प्रदर्शन होते रहेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसके लिए कुछ छात्रों को चिन्हित भी किया गया है। कभी भी इस तरह की कभी भी धरने होते हैं तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि इसके क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। कल इसी के क्रम में हमने बताया था और हमने ये भी बता दिया था कि अगर कोई धारा 44 लगी 144 लगी हुई है और अगर कोई उल्लंघन करता है तो तत्काल मुकदमे किए जाएंगे। उसी के क्रम में कल इन लोगों ने रिपोर्ट बनाई है और मुकदमे दायर किए जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनके द्वारा।